हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली गाइस, मैं आ गई हूँ अपना नेक्स्ट व्लॉग लेकर के। एंड आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे सही आंसर दिए, तो जिन लोगों ने भी मेरे को सही आंसर दिए हैं उन लोगों का नाम मैं कुछ देर बाद में अनाउंस करूंगी या व्लॉग के एंड में अनाउंस करूंगी। फिलहाल आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा अगर आप जानना चाहते हैं कि किसने किसने मुझे सही आंसर किया है। आई नो, मैं बहुत दिन से आपको परेशान कर रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ। सो चलिए मैं आपको ये सीक्रेट रिवील कर देती हूँ कि गाइस, मैं गोवा आई हुई हूँ और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था गोवा एयरपोर्ट पहुँचते। ऑलमोस्ट पूरा दिन ही निकल गया था क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में निकले थे कानपुर से, फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे लखनऊ से दिल्ली, देन दिल्ली में 5 आवर्स का लेओवर था और अभी हम लोग पहुँचे हैं गोवा एयरपोर्ट। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सो बस अब हम लोग गोवा एयरपोर्ट से निकल करके अपने होटल पहुंचने वाले हैं और होटल पहुंच के मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ और होटल भी दिखाती हूँ और क्या करने आए हैं वो बस थोड़ी देर में बताती हूँ। तो गोवा एयरपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने फटाफट से कुछ ये प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स क्लिक की अपनी और जो मेरे साथ में मेरी फ्रेंड आई थी उसके साथ में भी। सो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं टैक्सी का। सो जब हम लोग टैक्सी से अपने होटल की तरफ जा रहे थे तो मैंने फुल मून देखा क्योंकि जिस दिन शायद हम लोग गोवा पहुंचे थे उस दिन फुल मून डे था और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था पहाड़ों के पीछे से। एक्चुअली ये टैक्सी वाले भैया का मुझे लगता है ग्लास गंदा है, इस वजह से उतना क्लियर नहीं समझ में आया। मैंने कोशिश की कि मैं कहीं से इस मून को कैप्चर कर सकूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। तो मुझे ये ब्रिज दिखा और ये भी अच्छा लग रहा था तो मैंने इस पर कंसंट्रेट किया। वेल फाइनली मुझे मून दिख चुका है, आप लोग देख सकते हैं। सो फाइनली हम लोग रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं और आप इस इमेज को बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे सवालों के जवाब इसी में ही छुपे हुए हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, फिलहाल अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम। सो रूम के अंदर एंटर करते ही मेरे राइट साइड में था ये वॉशरूम और लेफ्ट साइड में है ये कबर्ड, प्लस यहाँ पर ये कैटल दिया हुआ है और ये है वो ब्यूटीफुल सा रूम। सो अपना लगेज रखने के बाद में और फ्रेश होने के बाद में हम लोग आ गए हैं डिनर करने क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, हमें होटल पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं अपना डिनर और मैं मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में। हेलो, सो ये है गोवा की फर्स्ट मॉर्निंग और मैं उठ चुकी हूँ, मैंने मेडिटेशन कर लिया है, तो बस थोड़ी देर में फ्रेश होकर के और चेंज करके मैं जाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। फ़िलहाल मैं आपको विंडो से ये नज़ारा दिखा देती हूँ, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा था क्योंकि यहाँ पर बाहर एक बहुत घना सा जंगल है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है गोवा में हमारा पहला दिन और ये है गोवा की पहली सुबह एंड बहुत अच्छा मौसम है, ज़्यादा धूप तो नहीं दिख रही है बट हाँ मौसम तो बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं आपको मिलती हूँ। बाय बाय, सी यू।
ब्रेकफास्ट देख के तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि ब्रेकफास्ट में जब मैंने हेल्दी हेल्दी चीज़ें देखी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि रात में ना हम लोगों ने बहुत ही अनहेल्दी चीज़ें खाई थी, तो मैं चाहती थी कि मुझे ब्रेकफास्ट में हेल्दी कुछ ऑप्शंस मिले। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम आ गए हैं ये पूल एरिया। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी वेडी होकर के कहाँ जा रही हूँ। सो इतना रेडी होने का रीज़न है कि हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं गोवा दर्शन के लिए। तो चलिए मैं आपको सीक्रेट रिवील कर देती हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। दरअसल यहाँ पर होने वाला है मिसेस इंटरनेशनल डीवा, और ये एक फैशन शो है, ब्यूटी पेजेंट है। सो इस शो के लिए हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया है। तो अभी ये जो आप हॉल देख रहे हैं, इसी हॉल में ये शो होने वाला है। सो अभी यहाँ पर कोई नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ये हॉल देख लेते हैं, टाइम तो है ही। तो गाइज़ ये जो व्यू आप देख रहे हैं ना मेरी विंडो से, तो काफ़ी क्लोज से वो ट्रीज़ ही नज़र आ रहे थे, काफ़ी जंगल नज़र आ रहा था। ऊपर आकर के हम लोगों ने देखा तो व्यू तो बहुत ही कमाल का था। सो मैंने आपको सीक्रेट बता दिया कि आखिर हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। तो यहाँ पर एक ब्यूटी पेजेंट होने वाला है, जिसके लिए हमें यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। तो अभी आज तो टाइम है और हम लोग फ्री हैं, तो हम लोग जाएंगे अभी थोड़ी देर में गोवा घूमने के लिए। सो अभी बस वेट कर रहे हैं हम लोग स्कूटीज़ का, क्योंकि हम लोगों ने रिजॉर्ट से स्कूटी के लिए बोला था। तो अभी उनको पता नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है शायद, तो वेट कर रहे हैं, देखते हैं आखिर कब तक स्कूटी आती है। क्योंकि मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, मैं सोच रही हूँ जल्द से जल्द स्कूटी आए और मैं बाहर निकलूँ, घूमूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पता की यहाँ के बारे में। भले इससे पहले मैं गोवा आ चुकी हूँ, बट जब भी मैं आई हूँ तो मुझे इतना घूमने को नहीं मिला है, तो इसी वजह से मेरे अंदर एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज़्यादा ही है। सो फाइनली हमारी धन्नो आ चुकी है हमारे पास में, और मुझे स्कूटी चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो स्कूटी मैंने ही चलाई थी। मिली को मैंने कहा था, ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम मिली है, और इसको मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ में पीछे बैठो, क्योंकि मुझे ड्राइव करनी है। और इतने दिनों बाद स्कूटी चला करके गोवा की सड़कों में मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो हमारे रिजॉर्ट के पास में सबसे पहले जो पड़ रहा था बीच, वो है ये कैलिंगेट बीच। अभी हम लोग वहीं पर आए हुए हैं। इस बीच में आ करके ना एक अलग ही सुकून मिल रहा था, ये लहरों की आवाज़ें और ये जो आप सैंड देख रहे हैं, ये सब इतना खूबसूरत लग रहा था कि मतलब शब्दों में इस खूबसूरती को बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए फिर देर किस बात की, मैं आपको लेकर के चलती हूँ अपने साथ बीच के और पास। तो इतनी खूबसूरत जगह आए हैं और फ़ोटोज़ ना क्लिक करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने आई लव गोवा का एक साइन बोर्ड देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर खड़े होकर के कुछ अच्छी अच्छी सी फ़ोटोज़ क्लिक की जाए। सो जैसे जैसे मैं इन लहरों के पास जा रही थी, वैसे वैसे एक्साइटमेंट लेवल ना कुछ और ही बढ़ता जा रहा था, नेक्स्ट लेवल का हो रहा था। आप लोग देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये।
मैंने बीच के पास में ना कुछ इस तरह से ब्रेड्स बनवाते हुए लोगों को देखा था, सो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने ऊन से ही मेरी ये ब्रेड बनाई है और इसके मुझे उन्होंने चार्ज किए थे 100 रुपीज़। फिलहाल मैंने डिस्काउंट मांगा था तो उन्होंने 50 रुपीज़ कर दिए थे, बट अच्छा तो लग रहा है। मगर 50 रुपीज़ से कहीं बनवाने के बाद में हम लोगों ने काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक किए यहाँ बीचेस के पास में। वीडियोस तो मैंने बना ही लिए थे, सो मेरा मन था कि मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करूँ अच्छी अच्छी सी, जो कि हमेशा के लिए एक प्यारी सी स्वीट सी मेमोरी बन जाए। मैंने बीच में ना इस कौवे को भी देखा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इसे देख कर के, किस तरह से इन्जॉय कर रहा था। वो बार बार पानी के पास जाता था और जैसे ही पानी उसके पास आता था वो पीछे आ जाता था। मुझे कौवे को इस तरह से इन्जॉय करता हुआ देख कर के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो कैलिंगट बीच पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर ली थी और हम लोगों ने सोचा कि सनसेट हम लोग किसी और बीच में जा कर के देखेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंजना बीच, और अंजना बीच जाते जाते हम लोगों ने देखा कि सनसेट भी हो रहा है। और दरअसल अभी तो हम लोग काफ़ी दूर हैं, बस यही प्रे कर रहे हैं कि सनसेट के टाइम तक हम लोग एटलीस्ट पहुंच जाएं, हमें सनसेट देखने को मिल जाए। तो देखते हैं कि हम लोग सनसेट पे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। वेल, मुझे लगता है कि अगर आप गोवा आए तो आप 2-व्हीलर से ही ट्रैवल करें, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है, ग्रीनरी है ना, वो आप स्कूटी से ट्रैवल करेंगे ना तो आप ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे बजाय कार के। कार में सब चारों तरफ बंद होता है तो मुझे लगता है व्यू ब्लॉक हो जाता है। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि अगर आप गोवा आएँ तो आप 2-व्हीलर से ही ट्रैवल करें तो आप अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। सो फाइनली हम लोग अंजना बीच पहुंच गए हैं और सनसेट के टाइम पे पहुंचे। थोड़ा सा भी टाइम ऊपर नीचे होता ना तो हमें सनसेट नहीं मिलता देखने को, और मैंने फ़ोटोज़ ही क्लिक कर पाई क्योंकि मैं सनसेट को इंजॉय करना चाहती थी, इसलिए मैं क्लिप्स उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जब सनसेट हो गया तब मैं थोड़ा सा ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड कर पाई थी। जितना ये क्लिप में खूबसूरत लग रहा है ना बीच, रियल में ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वेल, इस बीच में मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो तो सनसेट तो था ही, जो इस बीच की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। और एक और चीज़ थी वो है यहाँ की साफ़ सफाई। सो आगे की क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ये डायरेक्ट होटल के रूम का है। ये मैंने शिवांशी के लिए ड्रेस लिया था और मैंने अपने लिए भी एक ड्रेस ली थी, तो शॉपिंग का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो होटल आने के बाद में हम लोगों ने डिनर किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी थी। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में उन सब का नाम बताऊंगी जो जो सही गेस करेंगे, सो वो ये हैं वो नाम जिन्होंने सही गेस किया है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमेंटिंग। सो यहीं तक था आज का हमारा ये व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।